हाय गाइज, दिस इज निशांत राव। तो आज हम बात करेंगे 27 जून को जो आपको मेडिकल हुआ है इलाहाबाद जोन में। मैं इलाहाबाद जोन में ही इलाहाबाद हॉस्पिटल में मेरा हुआ है, क्योंकि मेरा रूम नंबर 3 में था, तो हम लोग को रूम नंबर 3 वालों को लास्ट में था, सबसे ख़त्म हो रहा था, इसलिए उन लोगों को इलाहाबाद मिल रहा था। तो मेरा इलाहाबाद हॉस्पिटल में मेडिकल था। हाय गाइस, दिस इज निशांत राव। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल वेरिफिकेशन जो 27 जून को इलाहाबाद जोन में हुआ है, उसका बात करेंगे। देखिए, मेरा 26 जनवरी की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ रूम नंबर 3 में था, और रूम नंबर 3 वालों को इलाहाबाद हॉस्पिटल मिल रहा था जी, और रूम नंबर 2 वालों को भी 5-6 लड़कों को मिला था इलाहाबाद। उनका लेट से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, और मैं वीडियो आपको बस स्टैंड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉइज़ की प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको मैनेज। हाय गाइस, दिस इज निशांत राव। तो बात करने वाले हैं आज 27 जून को जो मेडिकल हुआ है आपको इलाहाबाद हॉस्पिटल में। इलाहाबाद का जो 3 रूम का स्टूडेंट था, उसका जो मेडिकल हो रहा है जी, तो मेडिकल इलाहाबाद दिया जा रहा है। कुछ बच्चों जैसे स्टार्टिंग में मुरादाबाद, गया, आगरा और झांसी दिया जा रहा था, और कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद दिया जा रहा। तो मेरा इलाहाबाद पड़ा था जी, और कुछ रूम नंबर 2 वालों को भी इलाहाबाद दिया गया था। वो किस बेसिस पर दे रहे थे हमें पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट बच्चे थे उनको, 25 बच्चों को ये इलाहाबाद में दे रहे हैं जी। तो इलाहाबाद का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 27 जून को हुआ है उसका बात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें इलाहाबाद कुछ बच्चे मुझे बैड कमेंट कर रहे थे, भाई जब 27 जून को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा है, तो 26 जून को मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं दे सकता रिव्यू जी, और इस बात के लिए थोड़ी सी नाराज़गी होनी चाहिए। लेकिन आप तो देखो यार, 26 तारीख को मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दे रहा हूँ, तो आप 26-27 को मैं कैसे मेडिकल का रिव्यू दे सकता हूँ यार? 27 को शाम में ही तो दूंगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं। देखिए, हमारा गए लो तो कुछ फॉर्म हम लोग को वहाँ पर गए लो तो देखिए मेडिकल में हुआ क्या कि कुछ हम लोग का 25 बच्चों का था ग्रुप वहाँ पे, तो एक ग्रुप में 12 बच्चे जो हम लोग का ग्रुप था, और एक ग्रुप में 13 बच्चों को डिवाइड कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग ग्रुप में ही अलग अलग बच्चे हो, दो ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या हुआ जी, हम लोग का जो ग्रुप का था वहाँ का हेड डॉक्टर जो थी एक लेडीज थी, और एक दूसरा जो ग्रुप था उसका जेंट्स एक डॉक्टर थे। तो इस तरह का हुआ कि हम लोग को जो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो उस ग्रुप के कंपेयर में हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिला जी। ये मैं वीडियो थोड़ा बस स्टैंड में बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो इस पर ध्यान ना दें। चलिए जी, बात करते हैं। तो पहला हमारा गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग का सबसे पहले ग्रुप बना दिया गया, दो ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में थे जी, तो हमारे वहाँ पर ब्लड का सैंपल लिया गया। हमें ऐसा कोई नहीं बोला गया था कि आप भूखे पेट आइए ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग भूखे पेट गए थे ज़्यादातर लड़के, सभी लड़के गए थे मुझे जहाँ तक याद है, पेट आइए ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग भूखे पेट गए थे ज़्यादातर लड़के, सभी लड़के गए थे मुझे जहाँ तक याद है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ फॉर्मेलिटी हुई, 2-3 फॉर्म डिक्लेरेशन के दिए, एक्सरे वगैरह का फॉर्म दिए, उसमें हम लोगों ने फॉर्म में भरा, जो भी था वो सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया जा रहा था अपने एप्लीकेशन से। हमें एडमिट कार्ड जारी था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, और हमारा जो स्टैंडर्ड था, सभी यहाँ पे आज जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, मैं बता देना चाहूँगा, ऑल टू ऑल जनरल कैटेगरी थे, और वहाँ पे जो भाई उसके बाद A1 एंड बिलो यानी ALP के लिए सारे कैंडिडेट जी अवेलेबल थे। तो ALP का स्टैंडर्ड मेजर किया गया है। बात की जाए तो ALP में हमारा सबसे पहले जो हुआ ब्लड का हुआ जी, यानी शुगर टेस्ट होता है। शुगर टेस्ट हम लोग का मेरा 88 आया पॉइंट जी, किसी ज़्यादातर बच्चों का 80 से और 81 से यानी मतलब 80 से 110 के बीच ही आना चाहिए, तो एवरेज माना जाता है। किसी किसी बच्चों का ज़्यादा भी आ रहा था, किसी का कम भी आ रहा था, तो लेकिन ज़्यादा बच्चों का कभी कभी जिसका ज़्यादा आ रहा था उसको दोबारा चेक कर रहे थे जी। उसके बाद बात की जाए शुगर के बाद हमारा यूरिन ज़्यादा आ रहा था, उसको दोबारा चेक कर रहे थे जी। उसके बाद बात की जाए शुगर के बाद हमारा यूरिन सैंपल लिया गया, हम लोग का रिजल्ट बताया नहीं गया कि उसका रिजल्ट कैसा आया, लेकिन शायद सभी इसमें पास थे इसलिए बताया नहीं गया। जब भी हम लोग कोई भी टेस्ट हो रहा था उसमें अगर किसी को दिक्कत हो रहा था तो वो लोग बता रहे थे लो जी। उसके बाद हम लोग यूरिन दिए, उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद हम लोग को बैठा दिया गया, फिर से हम लोग कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद हम लोग का एक्सरे कराया गया जी, एक्सरे कराया, वहाँ पर हम लोग को नंगा करके एक्सरे कराया गया। एक्सरे कराया गया जी, एक्सरे बात की जाए तो एक्सरे में क्या हुआ जी, तो एक्सरे में ऐसा हुआ कि
सबका है गया ताकि वो लोग देख सके बूम लंग्स वगैरह का पोजीशन, और सबको पास कर दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग का क्या हुआ जी, उसके बाद हम लोग को ले गया गया एक डार्क रूम में, वहाँ पे आई टेस्ट में बता देना चाहेंगे एक साथ। आई टेस्ट का दो मतलब दो तीन मैंने स्टेज में किया गया, आई टेस्ट का दो मतलब दो तीन मैंने स्टेज में किया गया, स्टेज में किया था, हो रहा था कि दो तीन स्टेज में था जी। तो इससे क्या हो रहा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग, मैंने एक बार तो लेडीज़ डॉक्टर थी तो उनका एक चैम्बर अलग था तो वहाँ पर कराया जाता, फिर से जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल थी वो अलग थी, तो इसलिए अलग अलग हो रहा। मैं एक साथ सबको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आई विज़न में हम लोग को वहाँ पे किसी किसी जैसे हम लोग का इशारा जो बुक था उसमें नंबर पढ़वाया जाता था कौन सा नंबर लिखा है, या उसमें पाथ रहता था कलर से तो उस पाथ को बताना पड़ता था कि जैसा जैसा पाथ है वैसे ही बताना कि कैसा कैसा पाथ है। उसके बाद बात की जाए तो इशारा में ही ये नीचे देखा जाए तो छोटे छोटे अक्षर थे ई, और ई में बताना था कि ई का किधर मतलब उसका फेस किधर है जी, डाउन में है कि नीचे है अपर है, ऐसा पूछा जा रहा था। उसके साथ साथ ही हम लोग का मतलब वो जो डॉक्टर रखते हैं आला रखते हैं तो उससे हम लोग का चेस्ट पे मतलब कपड़े उठा के चेस्ट को मेजर करते थे लोग। अब क्या करते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर भी थी तो भी की। उसके बाद हम लोग एक अंधेरे कमरे में ले गए, कपड़े उठा के चेस्ट को मेजर करते थे लोग। अब क्या करते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर भी थी तो भी की। उसके बाद हम लोग एक अंधेरे कमरे में ले गया गया, वहाँ पे सी पोजन सी को डायरेक्शन पूछते थे लोग, और बड़ा छोटा होता था उसको भी देखते थे लोग। सबसे पहले बड़े का पूछते थे उसके बाद छोटे का, मेरा तो स्टार्टिंग में ही छोटा का, मैंने छोटा का दो बता दिया लेफ्ट और राइट दोनों का। हाँ मैं बता देना चाहूँगा कि वो लोग क्या कर रहे थे कि जो लेफ्ट आई था उसको एक बार बंद कर रहे थे, उसके बाद राइट वाले से दिखा रहे थे, फिर से राइट वाले को बंद कर रहे थे, लेफ्ट वाले को दिखा रहे थे, और उसमें आपको सी का डायरेक्शन बताना था कि सी का डायरेक्शन किधर है, और कम से कम दूरी हमको लगता है कि आपको 10 से 12 फीट से ज़्यादा था जी। उसके बाद हम लोग का ये कलर विजन चेक, यानी कलर उसमें बहुत सारे कलर आ रहे थे, जैसे रेड आ रहा था, येलो आ रहा था, पिंक आ रहा था, तो कुछ लड़के तो पिंक को भी रेड बता रहे थे और येलो वगैरह। तो उसके बाद मैम ने उसमें फिर से बताया, जैसे बहुत सारे लड़के का येलो आ रहा था, पहले येलो दिखा रहे थे तो बोलता था रेड, फिर से रेड दिखा रहे थे फिर बोलता था रेड, तो फिर से करेक्ट कर रहा नहीं मैं इससे पहले येलो था बोलता था रेड, फिर से रेड दिखा रहे थे फिर बोलता था रेड, तो फिर से करेक्ट कर रहा नहीं मैं इससे पहले येलो था। तो ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा था, तो वो सब थोड़ा होता है कि जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों को कलर का ज़्यादा एक्यूटनेस होता है, हम लोग बच्चों जेंट्स में एज कम्पेयर टू कम होता है। तो यहाँ पे परेशानी हुआ था, तो फिर से एक दो लड़कों का यहाँ पे हुआ था, उन चेक किया कलर का जिसे रुक दिया गया और वो लोग भी पास कर गए। उसके बाद आता है कि यहाँ तक यानी आईज में हम लोग का 6x6 विजन वगैरह ये सब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। तो उस बाद आते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से आए तो क्या हुआ जी, हम लोग का ECG हुआ। ECG में सबका नॉर्मल रिपोर्ट आया, किसी का भी खराब नहीं आया। ECG में उसमें क्या कर रहे थे, नीडल था यहाँ पे लगा रहे थे, पैर में लगा रहे थे, हाथ पे लगा रहे थे, और उसका वो लोग मेजर कर रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे, और जिसका प्रॉब्लम हो रहा था उसको डॉक्टर से दिखा रहे थे। उसके बाद ECG हुआ, उसके बाद हम लोग का वो टेस्ट हुआ जी, क्या बोलते हैं जैसे जैसे किसी का लेंस सर्जरी लें वगैरह हुआ है कि नहीं, तो इसको भी सर्जरी वगैरह रहेगा तो आपको जो वो रिपोर्ट आता है क्या बोलते हैं फंडस रिपोर्ट जो होता है, तो फंडस रिपोर्ट के लिए क्या कर रहे थे वो लोग एक ड्रॉप डाल रहे थे, उसका थोड़ा सा हमको दिख नहीं रहा था, धुंधला हो जा रहा था, थोड़ी देर बाद दिखने लगा, फिर से उसका थोड़ी देर बाद से धुंधला होने लगा, तो ऐसे ऐसे परेशानी देखा जा रहा, तो धुंधला होने से परेशानी आ रही थी, ये सबको फिर से थोड़ा दिखने लगा, फिर से बहुत देर तक हम लोग को धुंधला ही दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद हम लोग को मशीन के सामने ले गया गया, मशीन से वो लोग लाइट पे देख रहे थे, उसके बाद फिर से एक जैसा था उस भी वो आँख पे देख रहे थे, और क्या देख रहे थे शायद ऐसा ही देख रहे थे कि कोई लेजर सर्जरी वगैरह है नहीं। चलिए जी, उसके बाद हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद हम आकर बैठे थे, उसके बाद हम लोग का कोई भी चेकअप नहीं हुआ, हम लोग 1 से 2 घंटे वैसे ही बैठे थे, सारा रिपोर्ट आया। उसके बाद हम लोगों को कहा दिया गया 12 लड़कों को कि आप लोग चले जाइए, और जो 13 लड़के थे सेकंड ग्रुप अभी उन लोगों का चल ही रहा रिपोर्ट आया। उसके बाद हम लोगों को कहा दिया गया 12 लड़कों को कि आप लोग चले जाइए, और जो 13 लड़के थे सेकंड ग्रुप अभी उन लोगों का चल ही रहा था जी। बात करूँ कि मेरा तो उसके बाद हम लोग का हाइड्रोसिल देखिए बच्चे हुआ, हाइड्रोसिल जैसे हम लोग का मैम थी तो मैम ये हाइड्रोसिल चेक नहीं की छोड़ रही थी, तो एक जेंट्स डॉक्टर गया था, और वो जेंट्स डॉक्टर ही आपको 5 से 9 मिनट में हम लोग का सारा लड़कों का हाइड्रोसिल वो भी बहुत दूर से ही ऐसे ही चेक हो गया, यानी जिसका हाइड्रोसिल अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी होगा तो भी वो नहीं पकड़ जाएगा जी, ऐसा था। अच्छा अब बात की जाए कि जो 13 लड़के थे उन लोगों की बात की जाए, इलाहाबाद में ही मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो वो जेंट्स डॉक्टर थे, और वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो लोग जब
नियर विजन टेस्ट कर रहे थे उसी समय वो लोग हाइड्रोसिल का टेस्ट भी कर रहे थे, हाइड्रोसिल पाइल्स का टेस्ट कर रहे थे और हार्निया का कर रहे थे। हम लोगों का पाइल्स टेस्ट तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब हम लोग का पाइल्स टेस्ट हुआ ही नहीं। हम लोग खांस रहे थे लेकिन हाइड्रोसिल सामने से दिखा रहे थे, वो लोग पीछे से दिखा रहे थे। तो उन लोगों का हाइड्रोस यानी पाइल्स का भी टेस्ट हो रहा था, हार्निया का हो रहा था, यानी पाइल्स का भी टेस्ट हो रहा था, हार्निया का हो रहा था। हाँ जी, तो बात की जाए जो सेकंड ग्रुप था उन लोगों का क्या हुआ। सेकंड ग्रुप का मैं बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा उन लोगों को मुझे दिख रहा था कि पाइल्स टेस्ट हुआ, हर्निया टेस्ट हुआ और हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ था, और बाकी सब हम लोग का सेम टू सेम हो रहा था। हम लोग जब कर रहे थे कुछ और तो उन लोग का कुछ और हो रहा था, लेकिन सबका सब टेस्ट हम लोग का सिमिलर सेम उन लोग का हुआ जी। तो बस आज के लिए इतना ही रिव्यू। मैं बता देना चाहूँगा कि